भद्रावती तहसील के मंडल अधिकारी को जमीन के हेरफेर के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अब उनके संपत्ति की जांच कर उन्हें निलंबित करने की मांग भाकपा के जिला सह सचिव राजू गैनवार ने एक निवेदन द्वारा की है। भद्रावती तहसील के मंडल अधिकारी को 1 अप्रैल को जमीन के फेरफार करने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो चंद्रपुर द्वारा रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं संदर्भ में उनके संपत्ति की जांच कर उन्हें निलंबित करें इस मांग का निवेदन भाकपा जिला सह सचिव राजू गैनवार ने तहसीलदार महेश हिरोडे के माध्यम से मुख्यमंत्री तथा महसूल मंत्री को भेजा है। साथ ही इस अधिकारी के संपत्ति की जाँच की भी मांग की है। निवेदन देते समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सह सचिव राजू गैनवार, लिमेश मानुष पारे, सुनील रामटेके, सागर भेले, मुकेश कांबड़े आदि उपस्थित थे। तो सुनिए इस निवेदन के संदर्भ में भाकपा के जिला सह सचिव राजू गैनवार ने क्या कहा स्वयं उन्हें जुबानी। सीटीवी के हमारे विशेष प्रतिनिधि जावशे की रिपोर्ट। श्री महेश थोड़े साहबान आम्मी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे निवेदन दिलेले आहे। निवेदन यासाठी आहे की आराय जे पैसे होते त्यांनी शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात तुरुंग करून व पैशाची मागणी करून करीत होते आणि जे शेतजमीन जे आहे तपशीलला दिलेली आहे त्या सीटसाठी ते कागदपत्र वेगवेगळे करण्यासाठी पैसे मागत होते आणि त्याचं स्वरूप असं आहे की भूमी अभिलेखमध्ये मोजणी करून नंतर त्यांना आपापल्या नावाने करून त्यांना 7-12 वेगळे करायला पाहिजे होते, पण तसं न करता डायरेक्ट ते पैशाची मागणी करून स्वतः कागदपत्र घोळ करून स्वतःच परिपार करून स्वतःच बनावट करून ते अशा पद्धतीचे लोकांना पिळवून शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत होते। यासाठी आम्ही निवेदन दिले, त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी वरिष्ठांकडे आम्ही पत्रव्यवहार केलेला आहे।